नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। पिछले कुछ दिनों से हमारी बर्दवान जिले की जो सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उसमें उसके बारे में कुछ वाद विवाद प्रचार माध्यम में, मीडिया में और प्रिंट मीडिया में भी आ रहा है। उसमें पिछले कुछ दिन पहले हमारे सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नव नियुक्त सरदार जगदीश सिंह जी, चीफ एडवाइज़र सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उनको सरदार हरपाल सिंह जी जौहल का एक टेलीफोन गया था, जिसमें उन्होंने उनको ये कहा था कि आप मेरे साथ सहयोग किया करिए और किसी कमेटी के साथ आपने जो तालमेल बैठाया है वो ठीक नहीं है। तो जगदीश सिंह जी ने एक निरोल धार्मिक संस्था के आगू होने के नाते उन्होंने यह कहा था कि इस इलाके में कोई भी अच्छा काम करेगा धार्मिक तौर पे, या धर्म के उत्थान के लिए या धर्म की प्रचार के लिए कोई भी काम करेगा तो मैं हमेशा उनको सहयोग करूंगा। आपकी कमेटी के द्वारा भी अगर कोई अच्छा काम होगा तो मैं उसमें आपको सहयोग करूंगा। उनका ये कहना था कि नहीं, आपने हमको धोखा दिया है, आप हमको छोड़ के चले गए, आप दूसरी कमेटी के साथ जुड़ गए हैं, और वो जो कमेटी है सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उसके जो पोर्टफोलियो होल्डर हैं, जो उस कमेटी में प्रेजिडेंट सेक्रेटरी या जो भी अहदेदार हैं, उनको तो मैं कभी भी लाइन में खड़ा करके थप्पड़ मार सकता हूँ। तो मेरा सिर्फ सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान होने के नाते ये प्रश्न सरदार हरपाल सिंह जी से है। पिछली बार भी मैंने ये प्रश्न किया था, उस प्रश्न का सटीक उत्तर हम लोगों को नहीं मिला। उस उत्तर के अगेंस्ट में उन्होंने हमारे तरफ दो तीन सवाल फेंके थे। एक नंबर सवाल था उनका कि यहाँ पर सरना ग्रुप का एक्टिविटी बढ़ रहा है, तो मैं सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से ये आश्वस्त करना चाहता हूँ आपको कि ये जो सरना ग्रुप की बात उन्होंने उठाई है, ये दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के बारे में वो इंगित कर रहे हैं। तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली की है, उसका हमारे पश्चिमी बंगाल से कोई लेना देना नहीं है, ना ही हमारी वोट से या हमारे सहयोग से या हमारे किसी तरह के मनोनयन से उनका प्रधान चुना जाता है। इसीलिए उस सेंटर वहाँ की जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है दिल्ली की, उसका पश्चिमी बंगाल में कोई रोल नहीं है। हम लोग किसी धार्मिक अनुष्ठान में उनको गेस्ट की तरह से इन्वाइट करते हैं कभी कभार, अदरवाइज उनका अपना संविधान है, हमारी सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का अपना संविधान है। इसलिए ये जो लांछन हमारे ऊपर लगाया जा रहा है कि सरना ग्रुप जो है वो अकाली दल के अगेंस्ट में काम कर रहा है, जबकि हम लोगों ने ऑलरेडी मई महीने में इसी तरह की शताब्दी समारोह मनाया था 11 मई और 12 मई को, जिसमें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब मानजोग सरदार गोविंद सिंह जी लौंगोवाल और अकाल तख्त साहिब के जथेदार हरप्रीत सिंह जी यहाँ शामिल हुए थे। अभी जो पटना साहिब के जथेदार हैं ज्ञानी रंजीत सिंह जी गौहर, वो भी प्रचारक के तौर पे हमारे इस शताब्दी समारोह में आसनसोल गुरुद्वारा के प्रांगण में गुरु नानक नगर में उन्होंने ये शताब्दी मनाने के टाइम पे खुद की शमूलियत की थी, और ये सारा प्रोग्राम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अगुवाई में हुआ था, जिसको सहयोग यहाँ की सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दिया। और दूसरा प्रोग्राम हम लोगों ने दुर्गापुर में किया था, गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में, जहाँ पर गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल की प्रबंधक कमेटी के सहयोग से हम लोगों ने ये पर्व बड़े धूमधाम से मनाया था। और ये सारे हमारे धर्म के जो सिरमौर हैं, हमारे तकरीबन वर्ल्ड लेवल के जो लीडर हैं हमारी धार्मिक संस्थाओं के, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, अकाल तख्त के, ये सारे ही आगुए हमारे वहाँ दुर्गापुर में भी आए थे। इसीलिए उसके बाद यही शताब्दी समारोह रिपीट हुआ था स्टेट लेवल पे नेताजी इंडोर स्टेडियम, तो वहाँ भी हम लोगों को निमंत्रित किया गया था, हम लोग वहाँ गए थे, जहाँ पर शिरोमणि अकाली दल के प्रेसिडेंट सरदार सुखबीर सिंह जी बादल और गोविंद सिंह जी लौंगोवाल, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान, और बीबी अपना जगीर कौर जी जो सबका प्रधान थी SGPC की, और आपके अवतार सिंह हित जो पटना साहिब तख्त के जो मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, और अकाल तख्त के जथेदार मानजोग सरदार हरप्रीत सिंह जी भी आए थे, और वहाँ वेस्ट बंगाल के गवर्नर साहब ने भी पार्टिसिपेट किया था, और हमारे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से बॉबी हकीम साहब आए थे, और वहाँ के एक स्टेट मिनिस्टर भी आए थे।
इस तरह से वो बड़ा आयोजन था जिसमें तकरीबन 15,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो कहने का मतलब है कि कोई भी इलाके में धार्मिक अनुष्ठान होता है, हम लोग बिना शर्त उसमें सहयोग देते हैं। कभी किसी धार्मिक अनुष्ठान में, चाहे वो सिख समाज का हो, चाहे दूसरे समाज का हो, या किसी तरह का कोई सोशल वर्क हो, उसमें हम लोग हमेशा अग्रणी भूमिका में रहते हैं। किसी का वैर विरोध हमारे साथ नहीं है, लेकिन हम लोग सामाजिक काम करते हैं, धार्मिक काम करते हैं। धार्मिक काम करने के द्वारा या धार्मिक काम करने के कारण हम लोगों के किसी भी अहदेदार का या किसी भी हमारे नेतृत्व वाले लोगों का कोई अपमान करेगा, ये थोड़ा सा हमारे हमारा यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पे और कलेक्टिवली हमारी कमेटी की तरफ से ये हमारा जो है ऑब्जेक्शन हरपाल सिंह जी के प्रति था। उस चीज़ का उन्होंने सटीक जवाब नहीं दिया था। मैं अपना प्रश्न फिर से दोहराता हूँ कि अगर आपने इस तरह की कोई धमकी हमारे किसी अहदेदार को नहीं दी है तो बहुत अच्छा है, अगर दी है तो हम आपसे ये आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता के प्रति आप इस तरह की अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, और आप कोई भी धार्मिक प्रोग्राम करेंगे हम लोगों की तरफ से जो भी सहयोग होगा वो हम लोग करेंगे। अगर हमारा सहयोग आपको नहीं चाहिए तो हम लोग किसी भी तरह से आपके किसी भी प्रोग्राम में किसी भी विरोधाभास का कारण नहीं बनेंगे। आज के दिन के लिए मेरी यही बेनती है, आप इस चीज़ को अपने तरीके से प्रचार करें ताकि उनका जो सवाल था उनको इस चीज़ का जवाब मिल जाए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम तेजिंदर सिंह बल, मैं सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वेस्ट बंगाल का प्रेसिडेंट हूँ। उनको मैं ऐड करना चाहता हूँ अपनी बात के साथ कि सरदार ज्ञानी जथेदार ज्ञानी रंजीत सिंह जी गौहर, जो गौहर मस्किन, जो पटना तख्त श्री पटना साहिब के जथेदार नियुक्त हुए हैं अभी, उनके स्वागत के लिए सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सभी अहदेदार और हमारा कॉन्टिजेंट जो है पूरे पश्चिमी बंगाल के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों को साथ लेकर के, जिसमें कलकत्ता और कलकत्ता के सराउंडिंग जो 16 गुरुद्वारे हैं उन गुरुद्वारों का भी जो नॉमिनेशन है, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, उनके प्रबंधक कमेटी के नुमाइंदे भी हमारे साथ जाएंगे। हम लोग सब वेस्ट बंगाल की गुरुद्वारा कमेटी को रिप्रेजेंट करके ज्ञानी रंजीत सिंह जी गौहर उनका स्वागत करेंगे जाकर के पटना साहब। कल शाम को हमारी यहाँ से रवानगी है और 27 तारीख को वापसी। वो हम लोगों ने प्री ऑक्यूपाइड प्रोग्राम, उनसे प्री अपॉइंटेड प्रोग्राम लिया हुआ, तो ये हमारे लिए हर्ष की बात है कि जो नए जथेदार साहब अपॉइंट हुए हैं, जिनकी अपॉइंटमेंट हमारे अकाल तख्त साहिब के जथेदार साहब ने की है, वो हम लोगों के लिए स्वागत योग्य है और हम लोग उनका स्वागत करने के लिए पटना।